हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं। क्या है 21? रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन अ फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। मतलब कि रवि के दो यूनिट टेस्ट के मार्क गिवन है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट में है 70 मार्क्स, सेकेंड यूनिट टेस्ट में है 75 मार्क्स। फाइंड द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि वो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लाए कि उसकी एवरेज जो है वो 60 से ज़्यादा रहे। मतलब थर्ड टेस्ट में, थर्ड यूनिट टेस्ट में मिनिमम वो कितने मार्क्स लाए कि जिसकी वजह से उसकी एवरेज तीनों टेस्ट की कितनी होनी चाहिए, 60। तो चलो, अभी हमें पता तो है नहीं कि थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स लेने वाला है वो, तो मैं उसको एक्स सपोज कर लेता हूँ कि लेट रवि गेट एक्स मार्क इन थर्ड टेस्ट। मतलब कि रवि को एक्स मार्क्स मिल रहे थर्ड टेस्ट में। तो एवरेज ऑब्टेन बाय रवि, तीनों टेस्ट के मार्क आपके पास है तो एवरेज कैसे निकलती है? तीनों टेस्ट के मार्क का एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, तीन टेस्ट है। मतलब कि 70 + 75 + x डिवाइड बाय 3, ये उसको क्या मिल जाती है? एवरेज। 70 + 75 कितना होता है? 145 + x / 3। ये क्या है? रवि के तीनों टेस्ट की एवरेज है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो ऐसा बोला है कि वो मिनिमम कितने मार्क्स लाए कि उसकी एवरेज जो है वो एटलीस्ट 60 हो। मतलब कि ये जो इसकी क्या है, एवरेज है, वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? 60। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एवरेज इज एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 60 मार्क्स। तो चलो, उसकी एवरेज तो आपको मिल चुकी है ना, क्या है वो? 145 + x / 3। ये जो मार्क्स है एवरेज, वो एटलीस्ट 60 या 60 से ज़्यादा होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम उतना ही मार्क चलेगा, उनसे कम होने वाले पार्ट आएगा नहीं, उनसे ज़्यादा वाले ही रहेंगे, राइट? तो देखो, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो इधर 145 + x बचेगा, और ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में जा सकता है। अब ये जो 145 है वो उस तरफ जाएगा, तो 180 - 145, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है 35। क्या हुआ? 35। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि x मार्क उसके थर्ड टेस्ट के थे ना रवि के, तो उसको मिनिमम, रवि शुड गेट मिनिमम कितने मार्क्स? 35 या तो 35 से ग्रेटेस्ट। रवि शुड गेट ग्रेटेस्ट और इक्वल टू 35 मार्क्स इन अ थर्ड यूनिट टेस्ट टू गेट एन एवरेज इज एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब कि उसकी एवरेज 60 मार्क्स थी तभी रह सकती है कि वो 35 मार्क्स लाए, उनसे ज़्यादा मार्क्स लाता है तो उसकी एवरेज 60 से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन आया समझ में? अभी कुछ क्वेरी या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 22 देखते हैं। 22 में क्या है? टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, वन मस्ट ऑब्टेन इन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन अ 5 एग्जामिनेशन। ओके, इफ द सुनीता मार्क्स इन अ फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के मार्क्स गिवन है 87, 92, 94 and 95, फाइंड द मिनिमम मार्क दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन अ 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन अ कोर्स। ग्रेड ए लाने के लिए सुनीता को 5 एग्जामिनेशन की एवरेज क्या होनी चाहिए? 90 मार्क्स या 90 मार्क्स के ग्रेटर होना चाहिए, तभी सुनीता को ए ग्रेड मिल सकता है। उसने 4 एग्जाम ऑलरेडी दे चुकी है, 5 देनी थे, 4 दे चुकी है, बची है 1 एग्जाम। तो 1 एग्जाम में वो कितने मार्क्स लाएगी
तभी उसकी एवरेज 90 के प्लस हो जाएगी। अगर 90 प्लस हो जाती है तो उसको क्या मिल जाता है, ग्रेड ए। तो हमें वो फाइंड करना है, राइट। अभी हमें पता नहीं है कि वो फिफ्थ एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स लेके आने वाली है, तो हम लेट कर देंगे। लेट सुनीता गेट एक्स मार्क्स इन फिफ्थ, एक्स मार्क्स वो आ रही है फिफ्थ एग्जाम में, मतलब सुनीता गेट एक्स मार्क्स इन फिफ्थ एग्जाम, वो फिफ्थ एग्जाम में एक्स मार्क ला रही है, तो उसकी एवरेज कितनी होती है पांचों एग्जाम की। तो एवरेज हम क्या निकाल रहे हैं अभी, एवरेज ऑब्टेन बाय एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय सुनीता, मतलब सुनीता जो एवरेज आने वाली है वो कितनी आने वाली है, चारों एग्जाम का एडिशन कर दो, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स मार्क्स जो आने वाले हैं वो डिवाइड बाय 5। उसकी एवरेज तो पांचों एग्जाम की निकलेगी ना, यस। तो ये इसकी एवरेज है, तो इधर एडिशन करना पड़ेगा कि 87 प्लस 92 इंटू प्लस 94, चलो एडिशन कर देते कितना होता है, ये हो जाएगा 9998 110, ए 27 हुआ 27 36, 368 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5। ये सुनीता की क्या मिल रही है, पांचों एग्जाम की एवरेज मिल रही है। अब ऐसा बोला है कि उसको ग्रेड ए लाना है, ग्रेड ए लाने के लिए जो उसकी एवरेज है वो क्या होनी चाहिए, 90 या 90 से ग्रेटेस्ट होनी चाहिए। तो जो इसकी एवरेज है, जो एवरेज है वो क्या लाना है, उसको सिक्योर ग्रेड ए उसको लाने हैं। तो कंडीशन है कि उसकी एवरेज जो है वो 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए, तब भी उसको ए ग्रेड मिल सकता है। कोई बात नहीं, 5 इधर मल्टीप्लाई करो और 5 पॉजिटिव नंबर है इसलिए, 5 पॉजिटिव नंबर है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 9 4 4 5 0। अब क्या आएगा, x ये इस तरफ जाएगा तो 4 5 0 माइनस 3 6 8, तो इन दोनों का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना होता है, 4 5 0 माइनस 3 6 8, इधर रहेगा 4 10 2, इधर रहेगा 3 10 14 माइनस 8 6 0, 82 मार्क्स, मतलब कि 8 लिख दिया, सॉरी मैंने 82, मतलब कि सुनीता शुड गेट, सुनीता शुड गेट 82 और मोर देन 82 मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए, मतलब वो ग्रेड ए पाने के लिए या तो 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे फिफ्थ एग्जामिनेशन में या तो 82 से ज्यादा। अगर आपको इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करो, कमेंट करके भी बताओ और वीडियो को लाइक करो, और हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आप ज्वाइंट होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक अवेलेबल है टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो, और हमारा इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, थैंक यू फ्रेंड्स।